डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, आज हम लोग 75वीं 15 अगस्त मना रहे हैं और मैं अपने स्कूल में हूं, तो मैं आप लोगों को बैक कैमरा से आप लोगों को सबसे मिलाऊंगा जो हमारे स्कूल में टीचर्स हैं और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिला है इस कोरोना काल में और मैं उनसे एक छोटा सा स्पीच लूँगा। वे बहुत अच्छा बोलते हैं, ये चीज़ मैं देख चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आप लोग भी सुने सर से और हम लोग उनके बातों पे गौर करें और उनको अपने जीवन में अप्लाई करें। तो आइए हम लोग मिलते हैं सर लोग से। देखिए, यहाँ पे हमारे स्कूल के एक टीचर हैं, राम सर हैं, जो बहुत ही अच्छे सर हैं और समय समय पे हम लोगों का हेल्प करते रहते हैं और मैं आप लोगों से मिलवाता हूँ। यहाँ पे मैडम हैं जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं और रेखा मिस हैं जो स्कूल में बहुत समय से बहुत पहले से ही स्कूल में हैं और आज तक हैं। और एक मिस है यहाँ पे, मिस आप अपना नाम बताइए। हम बताइए, नुपुर पाल इनका नाम है। अब मैं चाहता हूँ कि सर जो है हम लोगों को अपने वचनों से, आशीर्वचनों से हम लोगों को कृतज्ञ करें। तो सर प्लीज़ आप जो है आज के समय के बच्चों को 15 अगस्त के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर मैं सभी अभिभावकों, सहकर्मियों, शिक्षक शिक्षिकाओं, बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां भारती के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और देश की आज़ादी के लिए असंख्य उन बलिदानी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस संकट से, इस गुलामी की प्रतंत्रता से हमें बाहर निकाला, जिसके कारण आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं और हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के दिन मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं कि इस कोरोना संकट के काल में पिछले 1.5 साल से जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा है वो पूरी तरह ठप पड़ गई है। शिक्षक वृंद बहुत ही मेहनत से मोबाइल के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभिभावकों और बच्चों को चाहिए कि वे जिम्मेदार बने और जिस माध्यम से आज पूरा संसार पढ़ रहा है, पूरा भारतवर्ष पढ़ रहा है, भारतवर्ष के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी माध्यम से पढ़ाई करें। अभिभावक बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें, ताकि उनकी जो पढ़ाई की जो निरंतरता है वो बनी नहीं रहे, अन्यथा वे सालों पीछे चले जाएंगे। और आज इस कोरोना महामारी के संकट काल में मैं सभी अभिभावकों से, विद्यार्थियों से ये अपील करना चाहता हूं कि जो निजी विद्यालय के शिक्षक हैं उनका देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर हमारे देश की, हमारे राज्य की साक्षरता दर ऊंची है, इसका कारण निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षण कार्य है, या बच्चे अगर कुछ सीख पा रहे हैं तो उसका कारण निजी विद्यालय की शिक्षा है, अन्यथा सरकारी व्यवस्था की क्या स्थिति है, हजारों करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी उसकी स्थिति क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। ये छुपने छुपाने की या बोलने की कोई बात नहीं है। तो मैं सभी अभिभावकों से अपील करना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था को बचाए रखने के लिए, इसे जिंदा रखने के लिए कृपया जो मासिक शुल्क है वो अपने विद्यालय में बच्चों के हित में अवश्य जमा करें, बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए ये जरूरी है कि बच्चे निरंतर पढ़ाई को बनाए रखें और इसके लिए शिक्षकों को वेतन मिल पाएगा, तभी वे अपनी आजीविका चला पाएंगे और तभी वो शिक्षण कार्य कर सकेंगे। स्थिति बहुत ही बदतर है, निजी विद्यालय के शिक्षकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, इसलिए अभिभावक ही एकमात्र सहारा है। अभिभावक चाहे इस व्यवस्था को बचाए रख सकते हैं, अन्यथा धीरे धीरे ये व्यवस्था खत्म हो रही है। कई सारे निजी विद्यालय, छोटे छोटे निजी विद्यालय, गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय बंद हो गए और बंद होने वाले हैं। इसका दुष्परिणाम अभिभावकों और बच्चों पर ही पड़ेगा, क्योंकि जब वैसे निजी विद्यालय बंद हो जाएंगे पूर्ण रूप से, तो फिर जो अभिभावक मिडिल क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं, वे अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? उनकी मजबूरी हो जाएगी कि या तो उनको भारी भरकम फीस
मान्यता प्राप्त बड़े बड़े विद्यालयों में देना होगा अपने बच्चों के हित के लिए, अन्यथा वे सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जहां उनको शिक्षा नहीं मिलेगी। दाल तो मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी, चावल मिल जाएगी, खिचड़ी मिल जाएगी, लेकिन शिक्षा नहीं मिलेगी। और अभिभावक ऐसा कर सकते हुए, फीस जमा कर सकते हुए, इतने सक्षम है, सब कुछ खुल गया है, सारी व्यवसाय प्रारंभ हो गई है, सारे कार्य सुचारू रूप से चालू हो गए, केवल विद्यालय ही बंद है, तो जिनका व्यवसाय प्रारंभ हो गया है, वे चाहे जो सर्विस में है, गवर्नमेंट नौकरी में है, वे चाहे तो फीस दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है मानसिकता की। हम लोगों को अक्सर देखने को मिलता है कि अभिभावक जो है सारे कार्य में खर्च करते हैं। अभी नज़दीक में हमारा मनसा पूजा है, रक्षाबंधन है, इसमें वे हजारों रुपया खर्च करेंगे। शादी विवाह का उत्सव है, हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं। बच्चे को गिफ्ट देते हैं, 5-10 हज़ार की साइकिल दे देते हैं, तो स्कूटी दे देते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, बर्थडे मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं, सभी चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय का शुल्क नहीं दे रहे हैं। इस मानसिकता को बदलना होगा, तभी हमारा बच्चा जो है पढ़ा लिखा सुशिक्षित बनेगा, अन्यथा उनका भविष्य अंधकारमय होगा। धन्यवाद।